ईमान लाए और अमल नेक किए और अपने परवरदिगार के आगे आजजी की, यही साहिब जन्नत हैं, हमेशा इसमें रहेंगे। दोनों फरीकों यानी काफिर और मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे एक अंधा बहरा हो और एक देखता सुनता, भला दोनों का हाल यकसा हो सकता है? फिर तुम सोचते क्यों नहीं? और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुंचाने आया हूं कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम्हारी निस्बत दर्दनाक अजाब का खौफ है। तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि हम तुमको अपने ही जैसा एक आदमी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि तुम्हारे पैरव वही लोग हुए हैं जो हम में अदना दर्जे के हैं और वो भी सतही राय से, और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते बल्कि तुम्हें माया कि ऐ कौम देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन रखता हूं और उसने मुझे अपने हाथ से रहमत बख्शी हो जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा हो गई है, तो क्या हम इसके लिए तुम्हें मजबूर कर सकते हैं जबकि तुम इससे ना मैं इस नसीहत के बदले तुमसे माल और जर का मुतालबा तो नहीं करता, मेरा सिला तो अल्लाह के जिम्मे है और जो लोग ईमान लाए हैं मैं उनको निकालने वाला भी नहीं हूं, वो तो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। अगर मैं इनको निकाल दूं तो अल्लाह की गिरफ्त से बचाने के लिए कौन मेरी मदद कर सकता है, भला तुम गौर क्यों नहीं करते? और मैं न तुमसे यह कहता हूं कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और न ये कि मैं गैब जानता हूं और न ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं और न उन लोगों की निस्बत जिनको तुम हकारत की नजर से देखते हो ये कहता हूं कि अल्लाह
उनको भलाई यानी आमाल की जजा नहीं देगा। जो उनके दिलों में है उसे अल्लाह खूब जानता है। अगर मैं ऐसा कहूं तो बेइंसाफों में हो जाऊं।